मध्य प्रदेश की ग्वालियर शहर में बिजोली थाना क्षेत्र में खेरिया मोदी गांव में आर्म्स एक्ट के आरोपी को पकड़ने गए पुलिस पार्टी पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। दरअसल ग्वालियर देहात के बिजोली में तैनात एएसआई सुरेंद्र सिंह और कांस्टेबल उदय प्रताप सिंह रात को आर्म्स एक्ट में काफी समय से फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने खेरिया मोदी पहुंचे थे, जहां पर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक आरोपी पुलिस को देखते ही मौके से भाग गए और आरोपियों के परिजन ने पुलिस को घेर कर झुमाझटकी कर दी। पुलिस अधीक्षक ने सभी आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें दौड़ा दी है, लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस के साथ अभद्रता करने वालों में आरोपी के परिवार की महिलाएं भी शामिल रही। वहीं आरोपियों को छुड़ा कर ले जाने वालों में भी अभी तक किसी का भी सुराग नहीं लगा है। पुलिस सभी आरोपियों की तलाश करने में जुट गई है। ये एक एएसआई है बिजोली थाने में, ये ग्राम खेरिया में एक 25-27 आर्म्स एक्ट का वारंट तामील कराने एक आरोपी के गए थे, किंतु वो घर पे नहीं मिला और उसके घर वालों ने जो एएसआई थे उनके साथ विरोध प्रकट किया और थोड़ी झूमा झटकी की। तो वापसी के बाद एएसआई की रिपोर्ट पे 353 का प्रकरण दर्ज किया गया। इसमें किसी को गिरफ्तार हो रही है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।